नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा और आपको एक ख़ास बात बताऊंगा A50 सीरीज़ की, जो कि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50, जिसमें दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, जो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें ख़ास बात क्या है वो बताऊँगा। दोस्तों देखिए, जी है सैमसंग गैलेक्सी A50 का नया अपडेट। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसे साइज़ की, तो आप देखिए दोस्तों इसका साइज़ है 132 MB, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है, इसमें आपके जो एक दो बक्स होते हैं लास्ट अपडेट के, वो फिक्स होकर मिलेंगे आपको, जिससे आपका फ़ोन पहले के मुताबिक काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो हो जाएगा 1 नवंबर का। तो ये इस अपडेट में आपको मिलता है, अगर आपके पास A50 है तो आप इस अपडेट को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इस A50 सीरीज़ की खास बात। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो न्यू फ़ोन होते हैं सैमसंग के, जो लेटेस्ट डिवाइस होते हैं, उनमें आपको हर महीने का सिक्योरिटी पैच लेवल टाइम पर मिल जाता है, यानी कि हर महीने का जो अपडेट होता है वो टाइम पर मिलता रहता है। और वहीं दोस्तों काफ़ी पुराने डिवाइस हो जाते हैं, जो काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुए होते हैं, उनमें इतनी जल्दी हमें अपडेट नहीं मिलती। बट जो A50 फ़ोन है, जो कि दोस्तों काफ़ी पुराना फ़ोन है, काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, उस फ़ोन में यानी कि इस फ़ोन में दोस्तों अभी भी हमें टाइम पर अपडेट टू अपडेट मिल रहे हैं। तो ये इस फ़ोन की एक ख़ास बात है कि हमें हर महीने टाइम पर, उसी टाइम पर दोस्तों जिस टाइम पर हमें लेटेस्ट डिवाइस में अपडेट मिलते हैं, उसी टाइम पर दोस्तों इस फ़ोन में भी हमें अपडेट अभी भी मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास A50 है तो आप इस फ़ोन को फटाफट से अपडेट कर लो और अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।